दिल्ली के समस्त रामलीलाओं का निर्णय है कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दिवाली की तरह दिल्ली के मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी एवं फूलों से सजाया जाएगा। श्री रामलीला महासंघ के नेतृत्व में दिल्ली के समस्त रामलीला कमेटियों के पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक का आयोजन दिल्ली के नेशनल क्लब फतेहपुरी में किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा सांसद और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद रहे। श्री रामलीला महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से चर्चा के पश्चात निर्णय हुआ है कि 22 जनवरी 2024 को 550 साल बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर दिल्ली की समस्त रामलीला कमेटियां अपने अपने क्षेत्रों में मंदिरों में रंग बिरंगी रोशनी एवं फूलों से दिवाली की तरह सजाया जाएगा। रामलीला कमेटियां मंदिरों में रामचरितमानस का अखंड पाठ भी करवाएगी। श्री रामलीला महासंघ के महासचिव सुभाष गोयल ने बताया कि 501 रामचरितमानस की प्रति रामलीला कमेटियां वितरित करेगी। मंदिरों में विशाल भंडारों का आयोजन भी किया जाएगा एवं 501 देशी घी के दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। ये भी निर्णय लिया गया है। अपने अपने क्षेत्र में प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि 22 जनवरी 2024 का दिन हम सबको हमारे अपने जीवन के अंदर उसका आनंद और उस दिन के कारण अपने आत्मा की तृप्ति उसका आनंद लेने का मौका मिलेगा। बहुत वर्षों यानी दशकों नहीं सैकड़ों साल, कम से कम 550 साल की प्रतीक्षा और लंबे चौड़े गहरे संघर्ष जिसमें हजारों राम भक्तों ने कार सेवकों ने अपने प्राणों तक की आहुति दी, उस संघर्ष का की सफलता और उस सफलता के बाद हमारे हृदय हमारी आत्मा इस देश के प्राण हमारे इस देश की संजीवनी भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम उनका जन्म स्थान, उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर और उनके जन्म स्थान पर उनके भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा। श्री रामलीला महासंघ दिल्ली के अंदर सभी रामलीला कमेटी अपने अपने मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाएगी, लाइट लगाएगी, ताजे फूलों से सजाएगी, रामचरितमानस का पाठ होगा। हर मंदिर कमेटी मंदिर के बाहर बड़ी LED स्क्रीन लगाएगी, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आम जनता को दिखाया जा सके। इसके साथ साथ सभी रामलीला कमेटी उस दिन रामायण की प्रतियां निःशुल्क बांटेगी, बहुत बड़े बड़े भंडारे लगाएगी और भंडारों के साथ साथ 500 देसी घी के दीपक हर मंदिर के अंदर जलाए जाएंगे। और विशेष रूप से हमने लवकुश रामलीला कमेटी की 3 दिन की रामलीला 18, 19 और 20 तारीख को पुराने किले के अंदर रखी है, जिसमें 8 विदेशों से भी टीम आ रही है, जिसमें थाईलैंड है, श्रीलंका है, मलेशिया है, इन रशिया है, इन कंट्रीज़ की भी टीम यहां पर आएगी और उनके कलाकार भी यहां पर दिल्ली के अंदर रामलीला 3 दिन दिखाएंगे। इसके साथ साथ हम गौरी शंकर मंदिर और लवकुश रामलीला कमेटी के नेतृत्व के अंदर 21 तारीख को प्रातः एक शोभा यात्रा जो पूरे शहर के अंदर निकलेगी, एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसमें 101 महिलाएं होंगी जो कलश लेके उस शोभा यात्रा के आगे होगी और बग्घी के अंदर जो है रामायण के सभी पात्र होंगे और उसके अंदर भंडारा प्रसाद भी उसके अंदर वितरण किया जाएगा और 100 के करीब तोरण द्वार पूरे चांदनी चौक के अंदर लगाकर पूरे चांदनी चौक को सजाया जाएगा।